हवा में मॉनसून की पहली ही बारिश में रवि ने गल्ला मंडी के जल निकासी प्रबंधन की पोल उस समय खुल गई, जब किसान अपनी मूंगफली की उपज को बेचने के लिए मंडी पहुंचे थे। खुले आसमान में किसानों की उपज का भाव लगाया जा रहा था और इस दौरान मूसलाधार तेज बारिश में मूंगफली के ढेर तेजी से बह गए। इससे पहले कि किसान उसकी सुरक्षा कर पाता, पूरी मंडी का एकत्र पानी नालियों के जरिए मूंगफली को बहा कर ले गया। हाथरस हादसे को लेकर यूपी सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा, मुख्यमंत्री ने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है, कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ अपनी राजनीति के लिए हाथरस गए थे। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि इतने बड़े आयोजन नहीं होने चाहिए जहां जान माल की हानि की आशंका हो। गाजियाबाद के मुरादाबाद में 28 बीघा जमीन पर काटी जा रही अवैध कॉलोनी पर जीडीए का बुलडोजर चला है। जीडीए की इस कार्रवाई से बिल्डरों में खलबली मच गई है, तो वहीं ओएसडी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी ने अवैध कॉलोनी काटी तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। साल 2025 में होने वाली MotoGP रेस उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। ये रेस ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर होगी। इस MotoGP रेस के आयोजन के लिए इन्वेस्ट यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डोना स्पोर्ट्स SL के कार्मेलो एस प्लेटा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समझौता किया। उत्तर प्रदेश से नगीना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश और देश की सियासत को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब अखिलेश यादव और अजय राय अलग अलग दावे कर रहे हैं। समाचार एजेंसी ANI को दिए गए एक इंटरव्यू में दावा किया गया है, उन्होंने कहा कि आने वाले 6 महीनों में देश और यूपी में बड़ा बदलाव होगा। 26 जुलाई से पेरिस में शुरू होने वाले ओलंपिक खेलों में जिले की 3 बेटियां पारुल, अनु और प्रियंका पदक जीतने के इरादे से उतरेंगी। आपको बता दें कि गुरुवार को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी गई है। जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव अनु कुमार ने बताया कि मेरठ से 3000 मीटर स्टिपल चेंज और 5000 मीटर दौड़ में इकलौता गांव निवासी पारुल चौधरी ने क्वालिफाई किया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड को लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है और ऐसे में यहां के पीड़ितों के लिए विपक्षी दलों ने मुआवजा बढ़ाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हाथरस में भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अधिक मुआवजा दिया जाना चाहिए। अयोध्या में हुए फिदायीन हमले की बरसी से पहले अयोध्या में तमाम संवेदनशील इलाकों में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। बृहस्पतिवार को आतंकी हमले की बरसी से पहले रेड जोन यानी कि राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसके अलावा अयोध्या के अन्य स्थानों पर भी बैरियर लगाकर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। यूपी की एक रिक्त हुई विधान परिषद की सीट के लिए नामांकन करने वाले भाजपा प्रत्याशी बहोरन लाल मौर्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। निर्वाचन अधिकारी ने विधान परिषद सदस्य निर्वाचन का प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। सपा में रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद विधान परिषद में एक सीट खाली हुई थी, जिसके लिए भाजपा ने बहोरन लाल मौर्य को प्रत्याशी बनाया था। उनके सामने कोई और उम्मीदवार नहीं था, ऐसे में उनकी जीत तय थी। बरेली जिले के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों और कानूनी व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद प्रभारी मंत्री मीडिया से मुखातिब हुए। जिले की कानून व्यवस्था के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिले के पुलिस कप्तान को बदलने का काम किया है, एक अच्छे अधिकारी को भेजा है। उम्मीद है कि नए कप्तान बेहतर काम करेंगे और सुधार दिखेगा।